रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बिस्किट। इसके लिए हमने एक अंडा की जर्दी ली है, एक कप मैदा लिया है, पिसी हुई चीनी ली है एक कप, लेकिन ये पूरी नहीं होगी, दो तीन चमचम डालेंगे इसके। बेकिंग पाउडर लिया है, वैनिला एसेंस के चंद कतरे डालेंगे, और मक्खन लिया है, 100 ग्राम मक्खन है, उसके अंदर हम पिसी हुई चीनी के 3 चमचे खाने वाले डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो गया। अब इसमें एक कप मैदा डालेंगे हम, और मैदे को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा माशाल्लाह से मैदा और मक्खन वगैरह खूब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसमें एक चमचा वैनिला एसेंस डाला है चाय का, और बेकिंग पाउडर डाला है एक चाय का चमचा, और आधी जर्दी डालेंगे हम इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधी जर्दी काफ़ी होगी इसके लिए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी को गूंद लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी डो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको और मिक्स करेंगे। ये मक्खन हमने डाला था और इसके अलावा कोई लिक्विड नहीं डाला सिवाय आधी जर्दी के, और इसी में हमने इसको बाइंड किया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बाइंडिंग हो चुकी है इसकी। इसके छोटे छोटे बिस्किट बना के हम बेक कर लेंगे। ये हमारे बेक करके तैयार हो गए। आलू लिए हमने उबले हुए, इनके कटलेट्स बनाएंगे। हरी मिर्चें और चंद लहसुन के जवे लिए हैं, थोड़ी सी प्याज कटी हुई ली है बारीक। फ्राइंग पैन में हमने ऑयल गरम किया है और प्याज उसके अंदर चॉप की हुई बारीक डाल दी है, और उसके अंदर हम हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके अंदर हमने 2 चमचे चाय के नमक भी डाला है और उसको पीस लिया है अच्छी तरह। ये इसको पिसा हुआ हमने मसाला जो है इसमें शामिल कर लिया है, और इसको जब तक भूनेंगे जब तक इनका पानी खुश्क ना हो जाए। जब हम कटलेट्स बनाते हैं तो इस तरह अगर हम बनाएं तो फ्रीज करें, तो फ्रीज करने के बाद अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पानी पानी जैसे हो जाते हैं आलू, किसी वक्त अगर निकाल के उनको फ्राई किया जाए। लेकिन आप इस तरह बना के रखेंगे, फ्रीज करेंगे, तो इस तरकीब से आपके जो आलू हैं वो कभी भी पानी पानी नहीं होंगे और बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल फ्रेश कटलेट्स की तरह ही फ्राई होंगे। ये माशाल्लाह हमारा पानी खुश्क हो गया। अब इसमें आलू डालेंगे मैश किए हुए, और इनको अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाला भी सारा इसमें लग जाए और घुल मिल जाए, और जो थोड़ा बहुत अगर पानी आलूओं में या मसाले में होगा तो वो भी सारा इसके अंदर खुश्क हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा मिक्स हो चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है हमारा। इसकी हम टिक्कियाँ बना के कर्म्स लगा के और कटलेट्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे कर्म्स लगा के अंडे के साथ हमने तैयार कर लिए हैं, और इनको फ्राई कर लेंगे। ये माशाल्लाह हमारे कटलेट्स भी तैयार हैं। ये चिकन लिया है हमने, हम पूरी चिकन ले लेते हैं और उसको आधे हिस्से की बोटियाँ करवा लेते हैं, और उसको सीना जो होता है उसको बोनलेस करवा लेते हैं। बोटियाँ तो फिर किसी भी सालन वगैरह बनाने में काम आ जाती हैं, और बोनलेस चिकन जो है वो चाइनीज़ वगैरह बनाने में या किसी इस तरह के काम में आ जाते हैं। आज हम इसके नगेट्स बनाएंगे। इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं हमने, और इस चिकन को जो है हम कीमा बना लेंगे चॉपर में डाल के। एक अंडा लिया है, 2 खाने के चमचे नमक है, पिसी हुई काली मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर है 1 चाय का चम्मच, और 3 ब्रेड स्लाइस लिए हैं जिनके हम कर्म्स बना लेंगे, और उनको चिकन के कीमे में कर लेंगे। ये हमने इसको कर्म्स बना लिए हैं ग्राइंडर में डाल के, और ये कीमे के अंदर सारे मसाले डाल दिए चिकन के, और ब्रेड क्रम्स भी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अदरक लहसुन डालना भूल गए थे, अदरक लहसुन डाल के भी इसको मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे, आधा घंटा तकरीबन रखेंगे, और उसके बाद हम इसके जिस दिल तरह के चाहेंगे उस तरह के शेप के आप
नगेट्स बना सकते हैं। बच्चे तो खाने में बहुत पसंद करते हैं, इस तरह की लाइट चीज़ें होती हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। तो ये उसको हर पीस बना के इस तरह के किसी भी शेप में बना लेंगे, उनको पहले अंडे में डालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डाल के कोटिंग करके इसकी इस तरह की। इस तरह कोटिंग में करके सारे पीस जो हैं, सारे चिकन के कीमे के, इस तरह हम नगेट्स के पीस बना लेंगे। ये सारे हमारे कोटिंग करके तैयार हैं। इस पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और चाहें तो जितने बना लें। फ्राइंग में पैन में तेल गरम करने रख दिया हमने और इसके अंदर हम नगेट्स डालेंगे। बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए वरना तो ये जल जाएंगे, ऊपर से कोटिंग इसकी जल जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बहुत मीडियम आँच पर रखना है, मीडियम से बल्कि थोड़ी हल्की आँच रखनी है और नगेट्स इसमें डाल के उनको फ्राई करना है। फौरन चमचा नहीं चलाना, अगर फौरन चमचा चलाएंगे तो कोटिंग उतर जाएगी और शेप जो है इनके ख़राब हो जाएंगे, सारा कुछ जिसका जो लगाया है कोटिंग वगैरह वो जल जाएगी। तो इनको डाल के थोड़ी देर हम इनको पकाएंगे और उसके बाद इनके साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके भी इनको सेक लेंगे, सुनहरा सेकना है बिल्कुल, और दरमियानी आँच होनी चाहिए, बहुत तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह हमारे नगेट्स तैयार हो गए, बहुत ही अच्छे खुश शक्ल बने हैं। बन कबाब बनाए हमने, चिकन बन कबाब और कटलेट्स बनाए हैं और ये नगेट्स हैं और ये बिस्किट बनाए थे हमने। सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। ये चिकन के शामी कबाब भी हैं और चटनी है, केचप है, शाम की चाय की तैयारी मुकम्मल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।